अपने एक दिवसीय दौरे पर कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर बड़वानी जिले के नागलवाड़ी पहुंची, जहां उन्होंने एक सम्मान समारोह कार्यक्रम में भी शिरकत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। बड़वानी जिले के नागलवाड़ी आई कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर का लोगों ने जमकर स्वागत किया। सबसे पहले यहां के प्रसिद्ध भीलट देव मंदिर शिखर धाम पर नाग देवता के दर्शन किए। मंच से संबोधित करते हुए मंत्री ठाकुर ने कहा, कोरोना जैसी जितनी चुनौतियों को आना है आए, पर भारतीय संस्कृति वह ताकत रखती है कि हर विसंगति का जवाब दमदारी से दे सकती है। ये कोविड-19 जैसी जितनी चुनौतियों को आना हो आए, पर भारतीय संस्कृति, भारत की ये देवभूमि, वो ताकत रखती है कि हर विसंगति का जवाब दमदारी से दे सकती है। मैं छोटा सा प्रयोग आपका अपना किया हुआ आपके सामने निवेदित करना चाहती हूँ कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था मास्क लगाना जरूरी है या गमछे से मुंह ढक के रखना जरूरी है। मैंने पूरे कोविड काल में, सभी गवाह हैं, कहीं कोई काम में कसर नहीं छोड़ी है। भरी भीड़ के बीच में रहे पर प्रभु कृपा से कोरोना से बचते रहे, क्योंकि वैदिक जीवन पद्धति को अपनी दिनचर्या में ढाल रखा है। सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त 2 आहुतियां देसी गाय के कंडे पर देसी गाय के घी और चावल में मिलाकर डाली और 12-12 घंटे घर को और पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज रखा है। तो आप सबसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वैदिक जीवन पद्धति के महत्व और अर्थ को समझें, अपने परिवार की जीवन व्यवस्था उसके साथ जोड़ें। हम अपने बच्चों को कोई ना कोई एक प्रार्थना कंठस्थ अवश्य कराएं, क्योंकि ये कंठस्थ प्रार्थनाएं व्यक्ति का आत्मबल बढ़ाती हैं और जब भी वो जीवन के दौराहे पर खड़ा होगी, ये प्रार्थनाएं उनका मार्ग प्रशस्त करेंगी और उन्हें सन्मार्ग की ओर ले जाएंगे। पूर्व सीएम उमा भारती व सीएम शिवराज सिंह द्वारा नागलवाड़ी दौरे के दौरान की गई घोषणा पर मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि जल्द ही यहां की रोड का निर्माण काम करवाया जाएगा। नई सौगात देने को लेकर कहा कि जिले के पदाधिकारी तय करें वे विभाग से क्या चाहते हैं। जो सूचना मुझे आज मिली है, जो जिला अध्यक्ष जी ने बताया, जो यहाँ की समिति ने बताया, मैं उन सभी घोषणाओं को निकलाऊंगी और निश्चित रूप से, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है इस मार्ग का बनना, असीम आस्था यहाँ लोगों की है, उस सड़क को सबसे पहले बनवाने का काम करेंगे। थोड़ी सी देर सबेर हो सकती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कोविड के इस कठिन काल में आर्थिक स्थिति अच्छी होते होते मुझे लगता है लगभग साल भर के करीब लगेगा, पर ये रोड बनेगी निश्चित, क्योंकि इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। जिले के सब पदाधिकारी तय करेंगे वो विभाग से क्या चाहते हैं, उनका जैसा प्रस्ताव आएगा, जैसे सुझाव आएंगे, वो सब काम होंगे। आपको बता दें कि कोरोना जन योद्धा सम्मान समारोह कार्यक्रम में मंत्री ठाकुर ने लोगों को सम्मानित भी किया, वहीं सीएम की घोषणा को जल्द पूरा करने का आश्वासन भी जनता को दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ठीकरी।